5 दिवसीय दौरे के पश्चात पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ डिंडोरी रवाना हुए। सांसद नकुलनाथ ने युवाओं से की मुलाकात। केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हल्ला बोल, बैलगाड़ी यात्रा में दिखाया दमखम। अवैध उत्खनन के खिलाफ ग्रामीण तक हुए जागरूक, एक बार फिर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और हल्दी कुमकुम मिलन समारोह में सुहागनों का उत्साह, कोफलीवाड़े में हुआ विशाल आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। पीसीसी प्रेसिडेंट और पूर्व सीएम कमलनाथ अपने 5 दिवसीय दौरे के पश्चात आज डिंडोरी के लिए रवाना हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ का यह 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरा पार्टी संगठन में कसावट लाने के लिए कई बार बैठकों की व्यस्तता भरा रहा। इसके बावजूद उन्होंने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के सुख दुख में शामिल होकर संवेदनाएं भी प्रकट की। 5 दिनों में लगातार बेबाक चर्चा और दिशा निर्देशों भरी बैठकों के बाद पूर्व सीएम डिंडोरी रवाना हुए। देखना होगा कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया गया सबक कितने दिन याद रहता है। कहीं पे भी छत्तीसगढ़ में जिले के सांसद नकुलनाथ ने आज शिकारपुर में जनता से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और हर संभव निराकरण प्रयासों के लिए आश्वस्त भी किया। ठीक है, सुबह की फोटो दें ले रहे हैं साहब की जाने की। साहब के जाने वाले, मैं लेट हो गया इसलिए। हमको 9 बजे बोलो, 8:30 बजे आते। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में देश के किसानों का समर्थन करते हुए विशाल रैली निकाली और प्रदर्शन भी किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान अपनी बैलगाड़ियां लेकर शामिल हुए। इंदिरा किराए से घूम के यहीं आ जाओ और हम यहीं आपका ज्ञापन ले लें। खत्म, आपकी रैली भी हो गई। ज्ञापन हमने केस बनाएंगे ना, आप जेल जाओगे, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका काम भी हो जाए, प्रशासन की व्यवस्था भी बनी रहे। वापस लो।
जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला पुरुष एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे विगत 55-50 दिन से जो किसानों के देश में कृषि काले कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा दिल्ली में, उसके समर्थन में आज छिंदवाड़ा जिले में गोंडवाना के तत्वावधान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से हम उन किसानों को समर्थन दे रहे हैं जो दिल्ली में पूरे देश के लिए बैठे हुए, जो सरकार के जो काले कानून है तीनों वो वापस ले सरकार, MSP लागू करे, समर्थन मूल्य में गेहूं का पंजीयन तत्काल कराए, पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाए, जिसके लिए हम लोगों ने बैलगाड़ी की रैली का भी आयोजन किया था। संपूर्ण देश में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू करे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की 5,700 शालाएं बंद करने का निर्णय लिया गया उसको वापस ले, कन्हा नदी पर जो प्रस्तावित है सिंचाई कॉम्प्लेक्स नाम से बांध बनाया जा रहा है जिसमें आदिवासी प्रभावित हो रहा है उसको वापस ले, वर्ष 2021 में होने जा रहे जनगणना में अलग से आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सामने आके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे कुछ मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय को यह ज्ञापन शासन के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्रीय कृषि बिल सहित अन्य गंभीर मुद्दों पर अपना मत प्रेस के सामने रखा। आने वाली 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जिसके समर्थन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर जिले में मध्य प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है 26 जनवरी को। उसका हमने विधिवत कार्य योजना तैयार करके पार्टी के प्रत्येक जिलाध्यक्षों को सूचित कर दिया है और पार्टी के स्थानीय हमारे जो नेता साथी है उनके आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज इंडियन कॉफी हाउस बस स्टैंड पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरताप शाह तिरगाम जी एवं प्रदेश महासचिव श्री सतीश नागवंशी जी का आगमन हुआ। साथ ही जो 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने का पूरे भारतवर्ष में एक आयोजन किया जा रहा है उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहभागी होगी और आमजन और किसान के मुद्दों को लेकर वो अपना एक हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी जिसमें पार्टी सभी आम जनता से अपील करती है कि हमारे साथ सहभागी हों और इस जो काले कानून को सरकार ने हमारे यानी किसानों के ऊपर लादने की कोशिश की है उसे सरकार वापस ले ऐसा हमारा प्रयास है और हमारी पार्टी जो है पुरजोर समर्थन करती है किसानों के लिए और आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनसे उनके जो मुद्दों को लेकर हम एक जन आंदोलन करने वाले हैं। हल्ला बोल हमारा एक आंदोलन होगा वो हम जल्दी यहाँ पर चालू करेंगे और ये पूरे जिले में एक साथ हम चलाएंगे जिसमें हमारी आम जनता और पार्टी पूरी तरीके से सहभागी होगी। परासिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोठार से आए ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर अवैध उत्खनन की शिकायत की है। यहाँ पे अवैध खनन बड़े स्तर पे चल रहा है जहाँ पे प्रशासन का ध्यान नहीं समस्या है और कोई रियलिटी नहीं अवैध साइड पे सब काम कर रहा है और बहुत तेजी से चलाते हैं गाड़ी क्षतिगत हो गई है इनको पूरे सड़क इनकी खराब हो गई वहाँ पे इनको आने जाने की रास्ता खत्म हो गया मुझे सही रास्ते यदि ये लोग वहाँ पे बोलते हैं कि अवैध उत्खनन से करें तो उनको ध्यान से मारने की तरह आज OBC SC ST संयुक्त मोर्चा के विशेष सहयोग से आज विधानसभा परासिया के कोठार ग्राम में लगातार विगत कई वर्षों से यहाँ पे अवैध रेत उत्खनन का कार्य जारी है जिसको लेकर आज हमारे उस क्षेत्र के सरपंच जनपद और भी जनप्रतिनिधि पंच शामिल है। वहाँ पे अवैध रेत उत्खनन इतना बड़े स्तर का चलता है
जिससे वहाँ पे पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसके साथ में रोड में बड़े बड़े डंपर और जेसीबी जाने के कारण पूरी सड़क का जो निर्माण है वो पूरा पूरा उसको दिक्कत होते जा रही है। इसलिए आज हम सब ने यहाँ पे जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपा है, ऐसी मांग करी है कि ये अवैध रेत उत्खनन जो क्षेत्र में चल रहा है उसको शीघ्र अतिशीघ्र बंद किया जाए। यदि बंद नहीं होता है तो यही सब क्षेत्रवासियों के साथ में मिलकर उसी रेत खदान के सामने हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, इसका टोटल प्रशासन जिम्मेदार होगा। स्कूल शिक्षा के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने भी प्रत्यक्ष अध्यापन के दरवाजे खोल दिए हैं। कल से कोविड गाइडलाइंस के साथ कॉलेज लगना शुरू होंगे। शासन के निर्देशानुसार कोविड 19 को दृष्टिगत रखते हुए कल 20 तारीख से समस्त कक्षाओं को 50% उपस्थिति के साथ में चालू करना है। महाविद्यालय में समस्त छात्राओं को नोटिस कर दिया गया है, हर क्लास को 50% अटेंडेंस के साथ में यहां पर बुला रहे हैं और इसके साथ ही कोविड को ध्यान में रखते हुए गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और प्रॉपर डिस्टेंस, मास्क लगा के आने के लिए उनको मोटिवेट किया है, बिना मास्क के कैंपस में ना आए। महाविद्यालय की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, परंतु फिर भी क्योंकि 9000 छात्र हैं कॉलेज में, क्लासेस हमारे पास बहुत कम हैं, 22 कमरे हैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उतनी सोशल डिस्टेंसिंग तो प्रॉपर करना संभव नहीं है, परंतु फिर भी जहां तक संभव है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। खबरों के सप्ताह क्रम देने के लिए आप लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की, हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रुपए की अब मात्र 195 रुपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीस में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रुपए में। तो कैपरी आपको यहां पर मिल रही थी 1245 की, अब मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रुपए की अब मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा।
मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहां है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। पुलिस कंट्रोल रूम में आज आरटीओ सुशील शुक्ला एवं डीएसपी ट्रैफिक सुदेश सिंह की मौजूदगी में यातायात सुरक्षा सप्ताह आयोजन को लेकर बैठक संपन्न हुई। इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्थान पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और ऐसी गतिविधियां करना रचनात्मक रूप से कि जिससे रोड एक्सीडेंट को रोका जा सके। इस बार जो हमारी थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, उसका क्रियात्मक रूप में उसको परिणत करने के लिए हर वो काम किए जाएंगे जिससे रोड एक्सीडेंट्स में कमी आए। प्रचार प्रसार के अलावा रोड सेफ्टी ऑडिट संबंधित जो स्टेक होल्डर हैं उनमें इस चीज का प्रचार कि हम इसमें जीरो एक्सीडेंट की स्थिति कैसे लाएं। परिवहन विभाग द्वारा इसमें इस बार विशेष रूप से जीरो विजन पे की अवधारणा पे काम करने का प्रयास किया जाएगा कि हम रोड एक्सीडेंट में शून्य स्थिति कैसे आए, और इसके लिए वे समस्त उपाय किए जाएंगे भौतिक रूप से कि रोड एक्सीडेंट में कैसे कमी लाए, जन चेतना का कैसे विस्तार हो ताकि आम आदमी सड़क पर सुरक्षित रूप से परिवहन कर सके। देखिए सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क सुरक्षा माह 2021 कल दिनांक 20 तारीख से शुरू किया जाना है 20 जनवरी से और ये 17 फरवरी तक चलेगा। इसमें सभी स्टाफ होल्डर एजेंसी NHI RTO यातायात पुलिस जिला पुलिस ऑटोमोबाइल्स बस एसोसिएशन ट्रक एसोसिएशन एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की आज यहाँ पे बैठक लगी गई थी इसकी तैयारियों के मद्देनजर और आगामी एक माह तक सड़क सुरक्षा और जागरूकता के क्या अभियान चलाए जाने हैं, किस प्रकार का अवेयरनेस कार्यक्रम रहेगा इसको लेके और जिसमें यहाँ सुझाव लिए गए और उनको कुछ निर्देश भी दिए गए जो हमको परिवहन मंत्रालय से और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं, जिसमें सभी ऑटोमोबाइल्स और एसोसिएशन यहाँ पे आए थे। आगामी एक माह तक हम लोगों से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम पर यातायात सड़क सुरक्षा माह उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और हर दिन कहीं ना कहीं पे कार्यक्रम होगा जो हमारे ग्राम पंचायत और थाना स्तर से लेके और जिला स्तर पर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका समापन 17 तारीख को करेंगे। इसके मद्देनजर तैयारियों के लेकर यहाँ पर हमारी बैठक थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जगमोहन लाल श्रीवास्तव जी की 120वीं जयंती मनाई गई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारे समाज के गौरव आदरणीय पूज्य दादाजी श्री जगमोहन लाल श्रीवास्तव जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जन्मतिथि आज दिनांक 19/1/2021 को हमने सभी सामाजिक बंधु एवं बार्ड के वासियों ने मनाई। हमारे दादाजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं, इनके माध्यम से स्वतंत्र संग्राम के दौरान अनेक प्रकार की लड़ाइयों में भाग लिए हैं। आज उनके हम वंशज हैं, हमें ये गौरव है कि काय समाज में हमने उनके वंश में जन्म लिया है और ये छिंदवाड़ा के गौरव की बात है। और माननीय कमलनाथ जी के द्वारा आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी की हमारे दादाजी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की गई, स्थापना की। पोफलीवाड़ा धार्मिक आयोजनों और धर्म के लिए समर्पित सेवा भाव के लिए जाना जाता है। प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति से ओतप्रोत यह एक आश्रम है
जहां वर्ष भर धार्मिक आयोजन जारी रहते हैं। इसी क्रम में 18 जनवरी के दिन विशाल हल्दी कुमकुम समारोह संपन्न हुआ। बाड़ा में जो कार्यक्रम आज रखा गया है, स्पेशली ये महाराष्ट्र में हल्दी कुंकू होता है, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। और ये हमारा कल्चर है जिसके हम हर साल प्रतिवर्ष मनाते हैं, उसी के स्वरूप में ये कार्यक्रम रखा गया है। कालीवाड़ी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ प्रारंभ है। इस स्थल पर मातृशक्ति के सानिध्य में श्रद्धालु भक्त पतित पावनी कथा का आनंद ले रहे हैं। ये जो संयोग से मेरी कन्या का पति है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं उसे असभ्य कह रहा हूं। जब सब इस प्रकार कह रहे हैं, दक्ष प्रजापति बार बार उनको दोष दे रहा है, इस मरकट लोचन शिव को मैंने अपनी मृग लोचना कन्या कैसे दे दिया। मिश्रा कॉलोनी वार्ड क्रमांक 25 में महिला कांग्रेस द्वारा सुंदरकांड पाठ और हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। Yeah.
आज वार्ड क्रमांक 25 के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हमारी वार्ड अध्यक्ष श्रीमती मूर्ति सेन जी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सुंदरकांड का पाठ किया गया और तदुपरांत महिलाओं को, जैसे अभी पावन पर्व चल रहा है मकर संक्रांति के बाद से, तो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आज महिलाओं के लिए यहाँ पर रखा गया, जिसमें मैं नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती माया पटेल, हमारे साथ नगर ग्रामीण की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा पाल जी और हमारी समस्त पदाधिकारी बहनों ने यहाँ पर उपस्थित दर्ज की और वार्ड की समस्त महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया। पति के स्वस्थ दीर्घायु की कामना से गणराज वेलफेयर सोसाइटी की सदस्य महिलाओं ने सुहाग ले व्रत पूजन किया। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। 5 दिवसीय दौरे के पश्चात पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ डिंडोरी रवाना हुए, सांसद नकुलनाथ ने युवाओं से की मुलाकात। केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हल्ला बोल, बैलगाड़ी यात्रा में दिखाया दमखम। अवैध उत्खनन के खिलाफ ग्रामीण तक हुए जागरूक, एक बार फिर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और हल्दी कुमकुम मिलन समारोह में सुहागनों का उत्साह, कोफलीवाड़े में हुआ विशाल आयोजन। इस बुलेटिन में खबरों का सफर नाम फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए अनुमति, नमस्कार।